डन। यस सर। सर एक मिनट ग्लास पर। हाँ सर हो गया। क्या मिला? सर यही है। ओके, फर्स्ट वन सबको मिला। यस सर। सेकंड वन डबल आंसर। क्या यूज कर रहे हो सर? वो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? हाफ इनटू एक्स वन इनटू एक्स टू वो वाला, एक्स वन इनटू वाई टू वो वाला सर, एक्स वन वाई टू। बेटर गो फॉर दिस वन, जो मैंने कलम वाइज लिखा था। डिटरमिनेंट नहीं, ऐसे क्या था ना, हाँ सर, हाँ याद है। थ्री वन फोर माइनस टू, माइनस टू सिक्सटीन। जो पॉइंट से स्टार्ट करोगे वही पॉइंट पर एंड करोगे, ठीक है? ऐसे तो ये कितना मिला? आप तीन टू माइनस टू, माइनस सिक्स, माइनस फोर, माइनस टेन, सिक्सटी फोर, माइनस फोर, माइनस सिक्सटी एट। ये माइनस टू, क्या हुआ है? तो सब कुछ नेगेटिव आ रहा है। थ्री वन फोर माइनस टू सिक्सटीन, देन थ्री वन, करेक्ट है। माइनस सिक्स, माइनस फोर, माइनस टेन, सॉरी ये सिक्सटी फोर माइनस फोर कितना हुआ? सिक्सटी। देन माइनस टू, माइनस फोर्टी एट, है ना? ओ, क्यों जीरो हुआ? एरिया क्यों जीरो हुआ? क्योंकि वो ट्रायंगल का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को शायद, वही रीजन है। क्या होगा पॉइंट्स, क्या होगा? अंडर व्हाट कंडीशन यू विल गेट एरिया जीरो? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। नहीं, अंडर दैट कंडीशन मतलब ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मीन्स योर गिवन थ्री पॉइंट्स बिकम लाइज एंड लाइन, एक लाइन पर रह जाएगा, तो इसलिए इसका डिस्टेंस जीरो, सॉरी इसका एरिया क्या होगा? जीरो होगा। आपका डिफरेंट ऐसे तीन पॉइंट रहेगा तो यू विल गेट योर एरिया। ओके, ट्रायंगल पॉसिबल देन एरिया। फॉर दिस केस ट्रायंगल नॉट पॉसिबल, बट आपको तो तीन पॉइंट दिया गया ना, थ्री पॉइंट्स आर गिवन। यस सर। इफ थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, उसको क्या बोला जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स।
कोलिनियर. ओके यू कैन मेक इट नोट इक्वल स्लोप होगा ना. हाँ वो तो अभी तक स्लोप नहीं किए तो जब स्लोप होगा वो करेंगे. दैट विल बी मोर इजी. यू कैन मेक इट नोट इफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर then area of triangle always zero. Okay, up you don't know whether it is collinear or not. How to know three points are collinear? Aap consider karoge, let us take they are not non collinear. To aap triangle banao, triangle ka area nikalo. If area exist, if area greater area always greater than zero, if area non-zero, then points are non-collinear. If area zero, then points are collinear. Right? So how we got 15 by 2? Sir, वो 15 into 4 60 होता ना, मैंने उसको 45 लिख दिया था, तो गलत आ गया. एरिया इधर भी कुछ डबल आ रहा है आंसर. अच्छा और ये जो ये है ना, आप ऐसे इसको कैसे किए, दो ट्रायंगल बना के? सेम फॉर्मूला है इसके. हां फॉर्मूला इसका कौन सा फॉर्मूला? यही सेम वाला जो आपने वो क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया, फिर उसको डिवाइड किया दो ट्रायंगल में, फिर फॉर्मूला अप्लाई. अच्छा मतलब सम ऑफ टू ट्रायंगल्स किए ऐसे ना? हां सर. यस एंड दिस इज ठीक है, दैट इज ओके, बट दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर एनी टाइप ऑफ पॉलीगन. कोई भी पॉलीगन आप 1, -2 जो पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे वही पॉइंट पर एंड करना पड़ेगा. एंड वन मोर थिंग, आपको ये पॉइंट्स इन ऑर्डर होना चाहिए. एक मिनट बताता हूँ. 3, 8, 4, 9, 7, -6, 1, -2. जो पॉइंट से स्टार्ट करोगे वही पॉइंट पर आपको एंड करना पड़ेगा. बट आप एक बार बिफोर टू डू दिस एक बार चेक करो कि जो आपको गिवन पॉइंट दिया गया ना, व्हाट एवर द गिवन पॉइंट्स आर देयर, whether they are in order or not, quadrilateral form कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, सिंपल आप ड्रॉ करोगे, ऐसा कुछ नहीं है. 1, -2 somewhere here, 3, 8 somewhere you'll get this one, 4, ये आपका A, ये आपका B, 4, 9 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा C, then 7, -6 होगा कि नहीं होगा? होगा सर. बस आपको ए चेक करना है. ठीक है. अच्छा मैंने ये जो घुमाया ना, ये कैसे घुमाया, इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? ए बी सी डी your points are in clockwise. So actually you have to consider your modulus. If you find out this area, you'll get negative value. जो answer actually होना चाहिए ना, उसका negative value आपको मिलेगा. आपका order anti-clockwise होगा, anti-clockwise ऐसे format में होगा, then you'll get positive value. Clockwise मैंने यहाँ पे जो point को consider किया, 1, -2, then B point, then C point, then D point, then A point. This is clockwise direction में घूम रहा है, clockwise. तो without modulus ये value मुझे negative मिलेगा ही मिलेगा. A point को मैं anti-clockwise घुमा दूंगा. Anti-clockwise मतलब आप कोई भी point से start करो. Let us start from C. C, B, A, D, C. You'll get same answer you'll get, but positive value. ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन ट्रिकली पूछ लेता है, जो पॉइंट्स दिया जाता है ना तो थोड़ा डिसऑर्डर में देता है. ओके सपोज फर्स्ट पॉइंट इधर दे दिया,
बी पॉइंट इधर दे दिया, आप ड्रॉ करोगे तो बी पॉइंट इधर दे रहा है, सी पॉइंट इधर दे रहा है, डी पॉइंट इधर दे रहा है, एबीसीडी पर्टिटल होगा क्या? तो आप जैसे पॉइंट दिया गया वैसे मतलब इस हिसाब से लिख दोगे, ए के बाद बी देन सी के बाद डी, देन इसका ही बाउंडेड एरिया मिलेगा आपको, ए ही एरिया मिलेगा, बट इट इज नॉट ए क्वाड्रेटल। तो कभी कभी डिसऑर्डर में देता है तो आपको पहले ऑर्डर में करके फिर एरिया निकालना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन में जब दिया जाएगा पॉइंट्स आर इन ऑर्डर तो नथिंग टू चेक, आप सीधा कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हो। देखोगे इसका आंसर नेगेटिव में होगा ही होगा। हाँ सर, नेगेटिव में या फिर उसको पॉजिटिव मॉडुलस कर। 8 + 6 करेक्ट, देन 27 - 32 -5 -24 - 63 -87 Yes. -14 + 6 -8 Am I correct? देखो आंसर नेगेटिव आ रहा है। Yes. इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा। तो एनीहो 8 13 ये प्लस वन मतलब 86 by 2 43 is the answer. दोनों का आंसर गलत है। हम कैलकुलेशन आप कैसे किए, दो ट्रायंगल बना के किए ना? हाँ सर। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लिए? नहीं, ए पॉइंट ए बी सी डी माना, तो कौन सा दो ट्रायंगल रहते सर? सबसे पहले ए बी और सी का लिया, फिर क्या किए कि बी सी और डी का लिए, बी सी डी। तो हियर यू गॉट, फिर गलत हुआ ना, आप चेक करो। हाँ सर, वो ऑर्डर गलत है। ए बी सी इसके बाद बी सी डी का सम किए तो क्वाड्रेटल नहीं बन रहा है। यस आपको ये एरिया मिला। हाँ सर, समझ है ना, आपको ये एरिया मिला। समझ में आया? तो आप क्या अनिरुद्ध क्या कहते थे? सर सेम किया था, बट आंसर कैसे अलग अलग आया? मतलब पॉइंट्स और भी डिफरेंट हो गए, मतलब वो सेम आपने जो ऑर्डर में दिया मैंने वैसे ही लिया, लाइक मैं बोलता हूँ ऑर्डर क्या लिया मैंने। पहले वाले ट्रायंगल के लिए मैंने 1, 2 फिर 3, 8 और 7, 6 लिया। अच्छा, मतलब ए बी डी लिए। ओके हाँ, सेकंड के लिए, सेकंड के लिए 3, 8, 4, 9, 7, 6 आपका करेक्ट आना चाहिए। आप ए बी डी के साथ बी सी डी लिए ना, तो करेक्ट आपका आना चाहिए। आप पहले ए बी डी लिए देन बी सी डी लिए तो टोटल एरिया आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा है? आप रखे एक बार मैं चेक करता हूँ, कुछ गलती हो रही थी। आप ए बी डी लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी है, ठीक है ना। ए बी डी कौन सा फॉर्मूला यूज किया? वो हाफ इनटू, नहीं डिटरमिनेंट नहीं, वो फॉर्मूला डायरेक्ट। अच्छा, एक्स वन इनटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, x1 y2 plus x2 y1 plus x2 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 x3 y1 x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y1 x2 y3 minus x1 y3 ठीक है। एक्स वन वाई टू
एक्स वन वाई टू ऐसे करने के टाइम पर आपका मिस्टेक होने का चांस है, मतलब एक्स वन वाई टू प्रॉपर नहीं करोगे तो एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन प्लस सिक्स. ओके देन थ्री इंटू नाइन माइनस 27 माइनस 32 करेक्ट प्लस एक्स थ्री सर एबीडी है ना. अच्छा अच्छा सर ए बी डी मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया था तो इसमें राइट तो ये तो करेक्ट है 1 8 प्लस 6 देन 3 माइनस 6 माइनस 18 देन 8 इनटू 7 माइनस 56 माइनस 56 देन 3 माइनस 14 प्लस 6 माइनस 14 प्लस 6 34 आएगा. हाँ अच्छा इसमें एक है कि इसका अलग लेना पड़ेगा, आप एक साथ कर दोगे तो फिर देयर इज अ चांस टू गेट मिस्टेक. इसका एरिया जो करोगे ये भी नेगेटिव आने का चांस है तो प्लस प्लस करना पड़ेगा बीसीडी एरिया. अब बीसीडी ए तीनों का देना पड़ेगा. हाँ BCD 3 into 9 27 minus 32 then 4 into minus 6 minus 24 minus 63 correct na sir ye bhi kuch galti hua shayad se mein 7 into 8 56 plus 18 सर यही पे गलती हुआ. ठीक है देख लेते हैं आपका मतलब ये मेरा आंसर आपका आंसर भी चेक कर लेते हैं, मतलब दोनों आंसर भी ये चेक कर लेते हैं. ठीक है गॉट कैंसल्ड. तो माइनस 50 माइनस 18 कितना 68 इसका मॉडुलस. हाँ हाँ सर प्लस 1/2 नहीं सर पूरा मिला के बोल रहा हूँ. अच्छा ठीक है 18 आएगा फिर 18 बाई टू 9 हो जाएगा. दिस इज माइनस 4 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 प्लस 27 अच्छा माइनस 11 माइनस 35 8 आ रहा है ना. नहीं ट्वेंटी सेवन फिफ्टी सिक्स एटीन ट्वेंटी सेवन एटीन फोर्टी फाइव फिफ्टी सिक्स कितना हुआ 101 सर पहले 27 माइनस 32 माइनस 5 होगा सर 63 एक मिनट 63 ये आपका 95 95 माइनस 24 सर शायद से वो 9 ही है 119 माइनस 119 18 आ रहा है 18 आ तो 9 9 ये 34 43 आया ना. ये कितना इजी हुआ. पेंटागन एक बार चेक करो इंजीनियर ऑर्डर में है मैंने ऑर्डर में दिया है. ठीक है सर एक बार चेक कर दो.
फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया 0.0 ओरिजिन पर दिया, सेकंड कमा दिया 3.4, थर्ड पॉइंट दिया -1.8, राइट, एंड देन -4.2, फोर्थ पॉइंट, एंड देन -3.-4, इधर मिला ना, और है मतलब ये कोलिनियर नहीं होगा सर, कोलिनियर हो जाएगा तो फिर आपका ये होगा, कोलिनियर नहीं होगा, नहीं कोलिनियर नहीं है, कौन सा पॉइंट जीरो के साथ कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट 4/3 ये है कोलिनियर हो जाता है, गलत पॉइंट दिया, कोलिनियर हो गया ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं। हाँ सर समझा। हाँ तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, -3.-2 कर देता हूँ, इधर कहीं पे होगा फिर ये समझा, कैसे पेंटागन आया तो कोलिनियर होगा भी आपका क्या होगा, वो पेंटागन एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ऐसा कोई गलत नहीं होगा, ओके, ऑल्दो इट इज गिवन पेंटागन, तो वो स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो गया, पेंटागन नहीं होगा, दैट बिकम क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तो ये ऑर्डर में रहा, इसका आंसर होगा हाफ 0.0, 3.4, -1.8, -4, 2, -3, -2, फिर 0.0, जो पॉइंट से स्टार्ट करोगे वही पॉइंट पर एंड करोगे, इसका मॉडुलस है, मॉड ऑफ दिस विच इज हाफ 0, ये 0, देन 28, then -2 + 32, 30, then +8 + 6, 14, ये 0, right? कितना है? 28, 58, 72 to 36. आपका वो केस में कैसे 32 आया था, मैं इसको -3 -4 कर देता हूँ, -3 -4 करेंगे तो बाकी तो सब सेम था, तो इसमें चेंज होगा, ये हो जाएगा 16 -3 -4, तो 16 + 6 = 22 होगा, तो मतलब कितना आया 8, 4 बढ़ जाएगा, 40 होगा आंसर, वो टाइम पर 40 भी होना चाहिए, सर तो बेसिकली अरेंज करना पड़ेगा ना पहले और चेक करना पड़ेगा ना, हाँ, चेक करना पड़ेगा, पेंटागन ये सब दिया जाता है तो आपका इन ऑर्डर में दिया जाता है इन जनरल क्वेश्चन में, ओके, और क्वेश्चन में भी मेंशन होता है कि इन ऑर्डर पॉइंट्स इन ऑर्डर, तो आपको इतना चेक करना नहीं पड़ेगा, सीधा आप ऐसे करोगे, ठीक है, नहीं ऐसे रैंडमली पॉइंट दिया गया तो आपको एक बार चेक करना ठीक रहेगा, एक बार पॉइंट मतलब ग्राफ पे ये मैं प्लॉट कर लो तो डिसऑर्डर पॉइंट दिया जाएगा तो पता चल जाएगा, डिसऑर्डर में पॉइंट मेंशन नहीं किया जाता कि दे आर इन डिसऑर्डर, ठीक है, ऐसे पूछ लेता है, बट ऑर्डर में कभी कभी दिया जाता है कि पॉइंट्स आर इन ऑर्डर, मेनली पेंटागन ये में लिख देते कि कौन सा इन ऑर्डर, ठीक है, ट्रायंगल के लिए कोई ऑर्डर का जरूरत नहीं,
क्योंकि तीन पॉइंट होगा तो ट्रायंगल होगा ही होगा, मतलब उसका ऑर्डर का कोई जरूरत नहीं। सॉरी क्वाड्रिलेटरल पेंटागन, इसके लिए आपको ऑर्डर थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा, समझाइए। एंड दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट एरिया, जो पॉइंट से स्टार्ट करोगे वही पॉइंट पे एंड करना चाहिए। अदरवाइज पेंटागन के लिए आप क्या करोगे, तीन ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, है ना। आप जिस मेथड में कर रहे हो, सपोज ए बी सी डी ऐसे दिया गया पेंटागन, ए बी सी डी ई, तो आपको प्रॉपरली लेना पड़ेगा। ए बी सी ट्रायंगल ले रहे हो तो फिर सी डी ई लेना पड़ेगा, देन ए सी ई लेना पड़ेगा। तीन अलग ट्रायंगल जिसका सम ऑफ एरियाज आपको पूरा टोटल एरिया दिलाएगा। आप जो रैंडमली ए बी सी बी सी डी सी डी ई ऐसा कर दोगे तो नहीं होता है। ए बी सी डी ई आप रखोगे ए बी सी देन बी सी डी, उधर ही गलत हो गया, ए बी सी देन बी सी डी ये आ गया, देन सी डी ई, मतलब आप ये तीन ट्रंक इसका ही एरिया निकाल रहे हो, और इसमें ये डबल हो गया, ये भी डबल हो गया। तो आपको ऐसे तीन ट्रायंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा जो तीनों का सम पूरा आपका पेंटागन हो जाएगा। समझाइए। यस सर। नेक्स्ट सेंटर्ड, what is centered by sir, default denoted by g, where all the medians intersect in any triangle, medians are concurrent, so concurrent mean meeting and meeting at a particular point, yes, passes to one point, okay, concurrent means lines passes to median, ek ek line hoga na, ha sir, one point, so in any triangle medians are concurrent and the concurrent point is called centered of the triangle. And denoted by G. Right? So G लिखा जाएगा, कुछ mention नहीं है, G given, so that means it is centered. So how to get centered? If vertices are given, then centered क्या होगा? X1 plus X2 plus X3 by 3 and Y1 plus Y2 plus Y3 by 3. ये आपका median. इसको जॉइन करके एक्सटेंड भी कर दोगे वही मीडियन हो जाएगा, ठीक है। डी ई
let us take x1 y1 x2 y2 ये आपका x3 y3. First of all, g divides median in ratio 2:1 internally. Okay, ये भी 2:1 ratio होगा, ये भी 2:1 ratio. In any triangle तो लिख दिया. Centered divides median in ratio 2:1 internally. ठीक है. अच्छा, ये डी पॉइंट, हाउ टू गेट योर डी पॉइंट. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी दिया गया. डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? समिट पॉइंट होगा ना. हाँ, पास. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 plus x2 by 2. इसमें x3 है. x2 plus x3. x2 plus x3 by 3. Sorry, by 2. y2 plus y3 by 2. Right? मैंने बताया कि लेट दिस इज द ए, दिस इज द लाइन ए डी. मुझे दिस पॉइंट ए पॉइंट कोऑर्डिनेट गिवन एक्स वन वाई वन, डी कोऑर्डिनेट गिवन एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय टू कमा वाई टू प्लस वाई थ्री बाय टू, एंड जी इज योर पॉइंट हियर व्हिच डिवाइड्स योर ए डी इन रेशियो 2:1. Then what is the coordinate of G? Internal x2 plus x3 by 3. 2 into this one. So 2 into x2 plus x3 by 2 plus 1 x1. Into x1 by 2 plus 1. Like y. So kya mila? x1 plus x2 plus x3 by 2 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3. Centered of the triangle, coordinate of coordinate of the center of a triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3. Yeah, नहीं तो ऐसे लिख दो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 then आपका सेंटर्ड ये होगा. ठीक है.
सर एक मिनट। हाँ सर नीचे इसको सर वो फिगर भी दिखाना ऊपर। हाँ बस नेक्स्ट इन सेंटर व्हाट इज इन सेंटर सर लाइक एक ट्रायंगल के अंदर जब हम सर्किल बनाते हैं तो उसका जो सर्किल का जो सेंटर होता है उसको इन सेंटर। और कैसे मिलता है और कैसे मिलता है जमीन समझा नहीं। और जैसे सेंटर्ड मिलता है ठीक है व्हाट यू सेड दैट इज राइट सर्कल इन एक इन सर्कल होता है तो उसका सेंटर इन सेंटर दैट इज करेक्ट। और भी कैसे मिलता है जैसे सेंटर्ड मिला मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट और कंकरेंट पॉइंट ऐसे इन सेंटर भी मिलता है सर वो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन ना दैट इज ऑर्थो सेंटर एंगल बाइसेक्टर का। इन एनी ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट in any triangle and internal angle bisector and the concurrent point is called in center and denoted by I. Okay. Angle bisector matlab internal angle bisector more correct is the internal. ए बी सी ये आपका एंगल वाइज सेक्टर राइट। लेट दिस कोऑर्डिनेट इज द वर्टिसेस आर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू
ये एक्स थ्री बाई थ्री सपोज दिस डिस्टेंस बी सी लेंथ इज द ए मतलब ए के अपोजिट में स्मॉल है बी के अपोजिट में स्मॉल बी मतलब ए सी लेंथ साइड ए सी ये साइड ए बी स्मॉल सी एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज डिवाइड्स अपोजिट साइड इन रेशियो ऑफ देयर कंजुगेटिव साइड कंजुगेट साइड्स डू यू नो नहीं मतलब आपका बी डी इज टू डी सी सेम आज ए बी इज टू एस सी आपका तो ये हुआ होगा सिमिलैरिटी है हाँ awesome. इफ ए डी विद एंगल बाइसेक्टर angle bisector of A of triangle ABC then BD is to DC same as AB is to AC that means angle bisector divides opposite sides in ratio of their conjugate sides right similarly एक केस में आपको क्या मिलेगा CE अपॉन AE इज इक्वल टू सी जो साइड में है BC अपॉन AB राइट Similarly, AF upon FC. Sir, CE was in the... CE upon AE. Sir, dusra do CE apne baat kiya. Do CE. Nahi, ye to small side CE. Ye small letter, ye capital letter. Acha, okay. Okay. आपका कोऑर्डिनेट सब कैपिटल लेटर में होता है साइड सब स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाता है ओके सर समझा तो सी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी लाइक ए एफ अपॉन एफ सी एफ बी नॉट एफ बी एफ सी ए सी अपॉन बी सी अपॉन एफ बी is equal to AC upon BC. ठीक है अब इसका भी कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो इफ आई बी द इन सेंटर of triangle ABC where vertices are A x1 comma y1 B x2 comma y2 C x3 comma y3 and sides BC is equal to small a AC equal to small b and AB equal to small c then in center आपको होगा a into x1 opposite में जाएगा a into x1 side length into coordinate of x a का plus b into
एक्स टू बी इंटू एक्स टू प्लस सी इंटू एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कमा वाई में भी ऐसे होगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस ये आपका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट बट आपको इतना इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए वर्टेसेस के साथ साइड लेंथ भी होना चाहिए वर्टेसेस हो जाएगा तो यू कैन फाइंड आउट साइड लेंथ तीनों वर्टेसेस दिया जाएगा तो साइड लेंथ यू कैन फाइंड आउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो वर्टेसेस होगा तो यू कैन फाइंड आउट इन सेंटर राइट और ये भी याद रखो ये जो इन सेंटर ये ए इज टू बी प्लस सी रेशियो में डिवाइड करता है इन सेंटर डिवाइड्स एडी इन रेशियो एडी होगा तो एक अपोजिट में ये दोनों बी प्लस सी होगा देखो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग इन सेंटर एज ए एक्स वन प्लस बी प्लस सी इन टू इसका जो रहेगा ना ये भी होगा एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई बी प्लस सी तो उसका आ जाता है आप इंटरनल डिवीजन डालोगे तो बी डी एस टू डी सी इज इक्वल टू ए बी एस टू ए सी ए बी मतलब स्मॉल सी ये सी एस टू बी रेशियो में डिवाइड करता है तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा सी इंटू एक्स थ्री प्लस बी इंटू एक्स टू तो बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी कमा वाई में अब इसमें डालेंगे तो क्या होगा ए एक्स वन अभी इंटरनल डिवीजन डालोगे तो ए एक्स वन प्लस बी प्लस सी इंटू दिस वन तो बी प्लस सी गॉट कैंसिल्ड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी तो इसलिए ये आ रहा है इन सेंटर आई डिवाइड्स ए डी इन रेशियो ए डी तो ये पहला रेशियो रखूंगा बी प्लस सी इज टू ए इंटरनल B plus C is to A internal. Am I right? Yes. B को कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा BE को कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा AD को डिवाइड किया B plus C is to A. तो BE को कैसे रेशियो में डिवाइड करेगा सर AE का जो होगा वो A plus C होगा और ए बी का जो होगा वो बी होगा बी आई होगा आपका ए प्लस सी और ये होगा बी आई डिवाइड्स बी ई ए से होगा तो ये अदर देन ए इन रेशियो बी से होगा तो ये होगा सी प्लस ए इज टू बी इंटरनली सिमिलरली आई डिवाइड्स सी एफ इन रेशियो ये सी होगा ये होगा ए प्लस बी समझा नहीं नहीं समझा तो ये स्मॉल सी ये स्मॉल बी तो डी पॉइंट कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा डी डिवाइड्स बी सी इन व्हिच रेशियो सॉरी सर वापस इन व्हिच रेशियो पॉइंट डी डिवाइड्स बी सी माइनस टू वन क्यों सी इज टू बी
मैंने क्या बताया, बी डी एच टू डी सी क्या होगा? रेशियो ऑफ द अपोजिट टू साइड्स, मतलब रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स क्या है? सीज टू बी, बी डी साइड में बी ए बी साइड आएगा, मतलब सी डी सी के लिए ए सी साइड आएगा बी, तो ये सी इज टू बी रेशियो में डिवाइड करेगा। अच्छा, तो एक्चुअली बी अब मैंने बी डी को क्या लिख सकता हूँ, सी लैम्डा लिख सकता हूँ ना, सी डी को लिख सकता हूँ, हाँ सर, बी लैम्डा, ये दोनों का सम कितना होता है? बी प्लस सी लैम्डा। बी डी प्लस सी डी कितना होता है? BC, BC, BC मतलब small a, हाँ सर, तो small a हो गया b plus c into lambda, तो lambda का value क्या हो गया? a upon b plus c, तो BD का length कितना होगा? BD का length क्या हो गया? AC upon AC by b plus c, CD का length कितना हो गया? BC है ना, तो BD का लेंथ भी मिल गया। अभी ए ट्रायंगल ड्रा करो, ABD ट्रायंगल ड्रा करो, ABD ट्रायंगल का इसका एंगल वैसे ट्रक कहाँ पे मीट करेगा? आई पे मीट करेगा है ना, ये आपका आई, इसका लेंथ सी, बीटी का लेंथ मुझे मेरे पास आ गया एसी अपॉन बी प्लस सी, तो इन व्हिच रेशियो आई डिवाइड्स एडी, इन व्हिच रेशियो ए आई अपॉन आई डी कितना होगा? सी इज टू, सी इज टू एसी अपॉन बी प्लस सी, तो सी सी गॉट कैंसल्ड, आ गया बी प्लस सी अपॉन ए। मैंने क्या बताया था, आई डिवाइड ए डी इन रेशियो बी प्लस सी टू ए, मिला, आई डिवाइड्स ए डी इन रेशियो बी प्लस सी टू ए, तो ये रहेगा b प्लस सी इज टू ए रेशियो में। सिमिलरली b को कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा? जब a से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, a के अपोजिट में स्मॉल a आ रहा है, बाकी ये आ रहा है b प्लस सी, b से जब ड्रॉ करेंगे तो b के अपोजिट मतलब i होगा स्मॉल b, ये हो जाएगा a प्लस सी। जब CF करेंगे तो ये होगा स्मॉल c, ये होगा a प्लस, समझा? हाँ सर, ठीक है, लिख लो भाई, इतना लिख लो जो ये। डेरिवेशन मत लिखो, ये पॉइंट नोट लिख लो।
सर मेरा कॉल ड्रॉप हो गया इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। लिख लो, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया ना? हम्म, सर आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया ना? नहीं नहीं ओके सर, उसका डेरिवेशन बताया। अच्छा ओके ओके सर। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। डन लास्ट एक थोड़ा ऊपर जा सकते हैं स्क्रीनशॉट में। Triangle, you have one in center and three excenters. वो क्या होता है? सर क्या? Excenters. ये आ रही लिख सकते हो ठीक है। For every triangle, there is one in center and three excenters. इन सेंटर के लिए क्या कर रहे हैं हम? तीनों का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कंकरेंट हो रहा है। अब टू फाइंड आउट एक्स सेंटर बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर समझा? फॉर एनी ट्रायंगल वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड अदर टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आर कनकरेंट। And denoted by either IA or I1. In any triangle, one internal angle bisector and other two external angle bisector are concurrent. And the point is called excenter, right? So
लाइक दैट ए साइड में भी आपको एक्स सेंटर मिलेगा, हाँ सर, एक्स भी इसमें भी ए साइड में एक मिलेगा, आई सी राइट। तो ये स्मॉल है, ये आपका स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, देन हाउ टू फाइंड आउट आई ए का ये। If I A be the X center, a triangle ABC, then coordinate of I A क्या होगा? सिर्फ ए के जगह माइनस हो जाएगा, राइट ये भी माइनस होगा, नीचे भी माइनस होगा, रिप्लेस ए आज माइनस है, दैट्स इट, रिप्लेस ए आज माइनस है। सिमिलरली आई बी क्या होगा? बी को माइनस बी, बी को माइनस कर देंगे, that is a x1 minus b x2 plus c x3 upon a minus b plus c comma a y1 minus b y2 plus c y3 upon a minus b plus c, and I see a x1 plus b x2 minus c x3 upon a plus b minus c comma a y1 plus b y2 minus c y3 upon a plus b minus c. So every triangle has one incenter, three excenters, or a circumcenter bhi hota hai. सर्कम सेंटर होता है, अर्थो सेंटर भी होता है,
डन। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट अर्थ सेंटर। व्हाट इज अर्थ सेंटर? सर वो साइज का जो एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट। यस। एनी ट्रायंगल? Altitude drawn from vertices to opposite side are concurrent. And the point is called Earth Center. And denoted by Okay, कुछ बुक्स में वो भी दिया गया तो एच और वो। आई एम टेकिंग योर एच। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। ओके इसका भी फॉर्मूला होता है एक्स वन वाई वन, बट ये फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं होता है, इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। सपोज दिस एंगल इज द एंगल ए, दिस इज द एंगल बी, एंगल सी, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 tan a plus x2 tan b plus x3 tan c upon tan a plus tan b plus tan c. Like y, y का कोऑर्डिनेट y में मतलब रहेगा y1 tan a plus
y2 tan b plus y3 tan c upon tan a plus tan b plus tan c. ठीक है, बट ये बहुत रेयर यूज होता है, तो सिर्फ याद रखो. टू फाइंड आउट मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, हाउ टू फाइंड आउट अर्थ सेंटर इफ एक्स वन वाई वन तीनों वर्टिसेस दिया गया, तो हाउ टू फाइंड आउट अर्थ सेंटर हम जब स्लोप करेंगे वो मिल जाएगा. दैट इज मोर इजी मेथड. ये मेथड यूज नहीं होता है. इसमें क्या होता है, आपको इतना इंफॉर्मेशन चाहिए, वर्टिसेस के साथ एंगल भी चाहिए. ओके, देन ओनली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, अदरवाइज डोंट गो फॉर दिस फॉर्मूला. दिस इज ऑर्थो सेंटर. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आपका ऑर्थो सेंटर कहां पे रहेगा? सर वो वर्टाइस होगा नहीं, वन ऑफ द वर्टाइस हो जाएगा. कौन सा वर्टाइस? मीन जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल एबीसी और डी पे राइट एंगल है तो बी होगा. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज द vertex opposite of hypotenuse. समझा? हाँ सर. क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल आपका ऐसा होगा ना, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल. मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो तीनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं? ऑल थ्री अल्टीट्यूड्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं ना? तो वर्टेक्स अपोजिट टू हाइपोटेन्यूज. आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाएगा तो हाइपोटेन्यूज के लिए आपको, सॉरी, आपका ऑर्थो सेंटर के लिए सीधा राइट एंगल जहां पे बन रहा है दैट वर्टेक्स इज द ऑर्थो सेंटर. That clear? ये भी लिख दो. सर सीक्वेंस एंड सीरीज का डाउट्स था. ये मैं और एक खत्म कर देता हूँ ऑर्थो सेंटर के बाद सर्कम सेंटर, तो एक पार्ट खत्म होगा फिर करेंगे. जो 10-15 मिनट बचेगा कुछ बचेगा तो इसको हम बीच में छोड़ेंगे तो फिर मतलब ये हो जाता है.
नेक्स्ट सर्कम सेंटर व्हाट इज सर्कम सेंटर हाउ टू गेट योर सर्कम सेंटर सर एक्सटर्नल सर्कल का सेंटर एक्सटर्नल सर्कल का मतलब एक सर्कल लाइक वो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो वर्टेक्स उसको टच हो अच्छा मतलब सर्कम सर्कल बोल रहे हो उसका सेंटर ठीक है और कैसे मिलता है अब साइड को बाइसेक्ट करो उधर परपेंडिकुलर ड्रा करो ठीक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स साइड को बाइसेक्ट करके परपेंडिकुलर ड्रा करो राइट दिस इज कॉल्ड सर्कम सेंटर अनडिनोटेड बाय ओ कुछ बुक्स में एस दिया गया ओके इन एनी ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स आर कंकरेंट एंड द पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर राइट डिनोटेड बाय ओ इसका भी फॉर्मूला होता है लाइक अर्थ सेंटर बट वो कभी यूज नहीं होता है मतलब बहुत रेयर यूज होता है लेट दिस एंगल ए दिस इज बी इसका अल्टरनेटिव होता है जो हम बाद में करेंगे मतलब स्लोप के बाद करेंगे हाउ टू गेट सर्कम सेंटर अभी भी कर सकते हैं विदाउट स्लोप में भी कर सकते हैं ठीक है इसका भी फॉर्मूला लाइक ऑर्थो सेंटर होगा इसमें ऑर्थो सेंटर में टैन टैन होता है उसमें साइन टू ए होगा इतना ही डिफरेंस रिमेनिंग ये होगा x1 sin 2a plus x2 sin 2b plus x3 sin 2c upon sin 2a plus sin 2b plus sin 2c like y y1 sin 2a plus y2 sin 2b plus y3 sin 2c सर तो हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 4 sin a sin b sin c क्योंकि वो सम तो अनिटी है यस यस ठीक है This is the coordinate of the circumcenter. ज्यादा यूज नहीं होता है रेयर यूज होता है बट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ए फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाएगा तो फिर आपको यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला अच्छा कौन सा ट्रायंगल में पर्टिकुलर होता है circumcenter?
राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पे आया होगा? सर उसमें नहीं होगा ना, क्यों? राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहां पे आएगा? सर्कम सेंटर मतलब सर्कम सर्कल का सेंटर? जब सर्कमफेरेंस में 90 डिग्री हो रहा है तो ये क्या होगा, सर्कल का ये क्या हो जाएगा? डायमीटर होगा। तो सेंटर कहां पे होगा? मिड पॉइंट पे होगा। समझा? हाँ सर। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ नोट्स होता है इन जनरल नोट्स इन एनी ट्रायंगल, सॉरी इन ए ट्रायंगल इन ए राइट सॉरी इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर्ड इन सेंटर सर्कम सेंटर अर्थो सेंटर ये चारों क्या होगा? एक पॉइंट होगा। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जी ओ जी आई एच और जी आई ओ एच रिमेन वन पॉइंट। समझा? In any triangle, O G H, O मतलब circumcenter, यहाँ पर centered, यहाँ पर ortho center, ठीक है? In any triangle, O G H are collinear, एक लाइन पर रहेंगे, O G H are collinear. And G divides the segment joining O and H in ratio 1:2 internally. मतलब OGH आपका कोलिनियर होगा कोई भी ट्रायंगल के लिए। ओ जी एच आर कोलिनियर एंड जी डिवाइड्स ओ एच इन रेशियो 1:2 इंटरनल। समझा? राइट। क्या डाउट है? सर एक्सरसाइज 2A और विंडो को चाहिए। एक्सरसाइज 2A? हाँ सर, सीक्वेंस एंड जी। हाँ सर, इसमें 2B में भी है।
टू ए का कौन सा एक दो बता। 14 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
ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ सर निकाल। SK denotes the sum of first k terms. SKX upon SX is independent of X. Okay. What is SKX formula? KX by 2. KX by into 2. Into 2. K plus KX minus 1 into D. Upon X by 2. Well, into 2A. X minus 1 into D. It is an independent of X. ये तो एक्स कैंसिल हो गया। ओके तो आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एक्स ये कैंसिल हो जाना चाहिए। इफ यू टेक 2a आज d, तो d कॉमन जाएगा दोनों में। यस सर। d कॉमन जाएगा तो क्या होगा? ये प्लस d माइनस d गॉट कैंसल्ड। हाँ तो क्या बचा? kx 2a is equal to d, then you will get ये तो ऑलरेडी के, देन यू विल गेट के एक्स डी अपॉन एक्स डी, तो यही होगा ना सर। हाँ तो एक्स डी गॉट कैंसल्ड, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और किसी भी रखो आप एक्स हटेगा नहीं, तो टू इक्वल टू डी। ओके सर। सर फिर 27 ये क्वेश्चन है कि नहीं, ये मतलब कुछ मिक्सअप है। ए एन इक्वल टू 11111 एंटर्स, देन द रिमाइंडर व्हेन ए 124 इज डिवाइडेड बाय 271। थोड़ा कंसेप्ट लगेगा, टाइम लगेगा। नेक्स्ट कौन सा बताओ? नेक्स्ट ये कर दूंगा, इसमें कंसेप्ट बहुत है। 32 सर। 30 बता दो। 30th? हाँ सर। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, देन द वैल्यू ऑफ
माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस डी बी माइनस डी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस डी होल स्क्वायर। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या हुआ सर? इसमें वैल्यूज डाल के आ जाएगा ना? हाँ आ जाएगा। ए बी सी डी आर इन जी पी देन ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस जी पी कंसिडर कर लो क्या? हाँ कोई भी जी पी कंसिडर कर ले भी आ जाएगा। ओके सर। बट आपको मेथड चाहिए तो मतलब आप ए बी बी को जगह ए आर रखो, सी के जगह ए आर स्क्वायर रखो, डी के जगह ए आर क्यूब रखो, फिर मिल जाएगा आपको। लंबा पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं शायद मतलब मैंने ये में हो जाएगा, बट शॉर्टकट में आपको चाहिए तो फिर मतलब कोई भी जीपी ले लो आ जाएगा। मतलब वो टेस्ट के टाइम पर। ठीक है, और क्या आप बता रहे थे? 32 32 द सिक्स टर्म ऑफ द सीरीज। तो लाइक मुझको लग रहा है ऑप्शंस मैच नहीं हो। अच्छा तो टू नेक्स्ट वन इज द वन ऑफ 3/4 मतलब 7/4 देन 9 14/9। ये 2 का स्क्वायर मिला, ये 3 का स्क्वायर मिला, ठीक है ना? ये 1/1 करेक्ट, ये मतलब 1/3/4 ये आप देखोगे तो कैसे फॉर्मेट में जा रहा है। ये आपका 1 स्क्वायर, ये आपका 2 स्क्वायर, ये आपका 3 स्क्वायर। अच्छा 3 कैसे मिला? 2 into 2 minus 1। 5 कैसे मिला? 3 into 2 minus 1। 1 कैसे मिला? 2 into 1 minus 1। सर तो कॉमन डिफरेंस 2 है ना बेसिकली। हाँ कॉमन डिफरेंस t6 आप इसी हिसाब से निकालो ना। t6 होगा 1 ऑफ कितना 6 का स्क्वायर होगा, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा 6 into 2 minus 1। ठीक है, दैट इज 1 plus 11/36 कितना हुआ? 47/36 इज देयर सर? नहीं है, वही बोल रहा था, यही मिला था मुझे। नहीं यही आएगा, 47/36 आएगा। ओके सर। बट ये जो होता है ना मतलब हम जो 3 टर्म दे दिए, मुझे ऐसे दिखाई दिया, ठीक है, तो मैंने इसी हिसाब से निकाला। और किसी को और कुछ हिसाब से दिखेगा, हो सकता है और आंसर अलग हो जाएगा, तो ये इट इज नॉट फिक्स। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए जब तक आप सीरीज में मतलब आपका सीक्वेंस आप मेंशन नहीं करोगे ये ऐसा सीक्वेंस है, तब नहीं होगा। मैंने जो कॉन्सेप्ट लिया इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं ना, ऐसे ही आ रहा है। हाँ सर मैंने भी यही किया था, बट क्या था कि कॉमन डिफरेंस 2 था। नेक्स्ट यस 3 1 मिला, यहाँ पे 3 मिला, 5 मिला, देन 7 होगा। नेक्स्ट भी वही आएगा ना, 4 स्क्वायर देन ये 7 ये 1। ठीक है चलो टाइम हो गया, नेक्स्ट विल डू। 27 में थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा है तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके सर, तो अगली क्लास पूछूंगा। हाँ नेक्स्ट क्लास करेंगे। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास 2 भी कभी कर दूंगा।
हाँ टू बी एक्स हाँ सर उसमें हाँ ठीक है ओके सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर बाय।